सो गाइज़, ये वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। एक्सरसाइज 5.2 जो था उसका जो फॉर्मूला था ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सरसाइज है ये बेस होगा ये फॉर्मूला पर, जो है वैल्यू ऑफ एनी टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस। तो आपको अगर सीक्वेंस ए पी होगा तो उस सीक्वेंस से आपको ए निकालना डी निकालना तो ऑलरेडी आता है ना। ए पहला टर्म होगा, डी आपका कॉमन डिफरेंस होगा, एन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे और ए एन वैल्यू ऑफ द गिवन टर्म, क्या होगा वैल्यू ऑफ द गिवन टर्म होगा, करेक्ट है, ये बात तो हम जानते हैं। तो जो पहला सवाल है इसमें, पहला क्वेश्चन है, उसमें पाँच सब क्वेश्चन है, ये टेबल दिया है। जैसे पहले वाले में देखो ए का वैल्यू, डी का वैल्यू, एन का वैल्यू, ये सब गिवन है आपको, आपको ए एन फाइंड करना है। सिमिलरली सेकेंड सम, थर्ड सम, फोर्थ सम और फिफ्थ सम में, तो जहाँ जहाँ डैश है ना वो हमको फाइंड करना है टर्म, और बाकी सारे टर्म्स दिए हैं, ठीक है। यस, तो देखते हैं हम लोग पहले सम को। तो पहले सम के लिए फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देयरफोर ए एन का वैल्यू तो हमें फाइंड करना है, ए का वैल्यू आपका देखो 7 है तो इसकी जगह 7 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस, ब्रैकेट n का वैल्यू आपका तो 8 माइनस 1 और d आपका 3 है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कैलकुलेशन में आप लोग बहुत मिस्टेक करते हो, आप सबसे पहले रूल के हिसाब से ब्रैकेट का जो है वो सॉल्व कर लो। तो ये 7 को 7 रख दो, ये प्लस, अच्छा 8 माइनस 1 7 और 7 इंटू 3, हाँ इस तरह से, ये पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो फिर उसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर यहाँ आंसर लिख दो। ये ब्रैकेट सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो और फिर आंसर लिखो, और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा बच्चों 28। तो ये पहला सम का आपका आंसर है जिसका 28 आ जा रहा है। सेकेंड वाला देख लेते हम लोग, सेकेंड वाले में अगेन वही फॉर्मूला यूज करता हूँ मैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस बार ए एन का वैल्यू दिया है आपको शायद, यस ये जीरो दे दिया है, ए का वैल्यू दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर हम माइनस 18 ले लेंगे, प्लस का प्लस, जो ब्रैकेट है एन कितना है हमारा 10 माइनस 1 और डी कितना है, डी निकालना है तो इसको डी दे दूंगा मैं, इतना समझ में आ गया। अब देखो जब भी आपको डिफरेंस फाइंड करना हो, डिफरेंस को फाइंड करना हो, समझ में आया ना, तो सबसे पहले क्या करने का मैं बताता हूँ। सबसे पहले ए एन का वैल्यू अभी तो है नहीं, अगर डी फाइंड करना है कभी भी, बहुत सारे सम्स आएंगे जिसमें आपको डी फाइंड करना होगा, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो बड़ा बड़ा आसान होगा। आप क्या करोगे भाई, आप ए एन के साथ में ले लोगे ए को पहले, यानी ए वाला जो वैल्यू है उसको ए एन के साइड में भेज दोगे, ए वाले की वैल्यू को, यहाँ तो जीरो है, अगर कोई नंबर भी होता तो ए आके उधर ऐड हो जाता, बराबर है कि नहीं, क्योंकि उधर नेगेटिव है ना तो इधर आके वो ऐड हो जाता। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो अगर 18 जीरो से ऐड होगा तो कितना हो जाएगा भाई माइनस 18 इधर भेजेंगे तो प्लस 18 हो गया। अब उधर कौन बचा, तो 10 माइनस 1 9 डी बचा, नहीं समझा, समझ में आया क्या, उधर 10 माइनस 1 9 और उसका डी, तो उधर सिर्फ यही बचा। अब ये डी को अकेले कर दो आप, तो 9 जो है डी के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 18 बाई 9 इज इक्वल टू डी, और इस तरह से आपका डी जो है वो 2 हो जाएगा, आगे समझ में 1 हो जाएगा, अच्छा 2 बाई 1। थर्ड सम भी देख लेते हैं, इसमें हमको ए ही फाइंड करना है, राइट। फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यस, सबसे पहले देखो आपको ए फाइंड करना है, ए का वैल्यू है नहीं, ए एन का वैल्यू आपका माइनस 5 है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू आपको फाइंड करना है प्लस एन का वैल्यू है आपके पास 18, 18 माइनस 1 ये 17, समझ में आ रहा क्या, और ऐसे ब्रैकेट रख लो, और डी का वैल्यू क्या आपका, हाँ ये माइनस 3 है, यहाँ थोड़ा केयरफुल हो जाना। देयरफोर लगेगा इधर, ये माइनस 5 इज इक्वल टू ए का ए हो गया। बच्चों यहाँ पर ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होने वाले, तो 17 3 से क्या होता है 51 होता है, और इधर क्या माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 51 हो जाएगा। अब आपको ए फाइंड करना है, ए को अकेले छोड़ दो, ए के साथ माइनस 50 मतलब 51 जो है माइनस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, देयरफोर ये माइनस 5 ऑलरेडी था वो उधर आया तो प्लस 51 इज इक्वल टू ए बच गया। ये सबट्रैक्ट किया आपने कितना हो गया, और इस तरह से बोल सकते हो आपके ए इक्वल्स टू 46 हो गया। आया समझ में,
फोर्थ वाला सम देख लेते हैं। फोर्थ वाले में आपको इस बार n फाइंड करना है, तो आपके पास पॉइंट है माइनस, सॉरी फॉर्मूला पहले लिख लूँ एक बार, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ओके नहीं, फोर्थ वाले में कितना ये माइनस 18.9, ये 3.6 है। अच्छा अच्छा, आई एम सो सॉरी, ए एन आपका 3.6 है, बराबर है। ये देखते रहो, ऐसा होता है मिस्टेक, समझे क्या? हाँ, फटाफट बराबर देखने का, वेरी गुड। वो तो मैं देख रहा था तुम लोगों को, आई वॉज चेकिंग यू ऑल कि तुम लोग अलर्ट हो कि नहीं हो। यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ आगे। हाँ, ए इक्वल्स टू माइनस 18.9 प्लस एन माइनस वन, एन का वैल्यू नहीं दिया है तो एन माइनस वन छोड़ देते ऐसी, और उसके बाद कौन है? डी है, 2.5। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको n फाइंड करना हो या d फाइंड करना होगा इस, तो आप a को इस बगल ले लेना, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमने हमारे सेकेंड सम में किया वैसे ही a को इस साइड पे ले लेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी 3.6 है, माइनस 18 आएगा तो क्या जाएगा? प्लस, और उधर बचेगा n माइनस वन इंटू 2.5, ये कितना हो जाएगा इस? तो ये 22.5 हो गया, बराबर है, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.। अब आप क्या करोगे, n फाइंड करना है, अब d के वैल्यू को इधर ले लोगे, d के वैल्यू को इधर डिवाइड कर लोगे, तो 22.5 डिवाइड बाय, तो ये 225 है ना, 225 को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं, 225 को हम 9 से होगा ना बेटा, 25 10 250 होता है। अगर ये पॉइंट आप भूल जाओ तो 25 10 250 होता है, ये 225 है, 25 मतलब 9 जा, तो इधर आएगा तो 9 हो जाएगा, तो 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये डिवाइड कर दोगे, दिख रहा है? दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू एन माइनस, अब n के साथ माइनस वन है, उसको ये तरफ भेज दो, तो n क्या हो जाएगा आपका? आपका n 10 हो जाएगा। आ गया समझ में? अच्छा, फिफ्थ सम को समझ लेते, फॉर्मूला है वही, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, बराबर है। तो आपका a का वैल्यू 3.5 है, ए एन तो फाइन करना है, प्लस n का वैल्यू आपका 10.5 माइनस वन और इन टू ज़ीरो। अब देखो बच्चों, d का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और याद आ रहा है डिफरेंस 0 हुआ तो जो फर्स्ट टर्म है वही सारे टर्म्स होंगे, अगर d 0 हुआ तो जो फर्स्ट टर्म है तो वही सारे टर्म्स होंगे, तो an क्या हो जाएगा? 3.5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें हमको एक ap दिया है 10.7.4, उसका हमको 30th टर्म यानी 30वां टर्म क्या होगा, यानी 30वां टर्म का वैल्यू क्या होगा, 30वां टर्म का वैल्यू क्या होगा वो ढूंढना है। समझ में आया क्या? 30वें टर्म का वैल्यू क्या होगा उसी को ढूंढना है हमको, इज दैट क्लियर? दूसरी बात, सेकेंड वाले में एक और एपी दिया है, उसका 11th टर्म क्या होगा, 11th टर्म का वैल्यू क्या होगा वो ढूंढना है। आएगा समझ में? अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट सिखाता हूँ, इज दैट क्लियर? अब देखो शॉर्टकट ये गाइज कि फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो मेरी बात समझो आप लोग, तो ये ए 30th टर्म है ना, तो ये n की जगह 30वां टर्म आ जाएगा, n की जगह 30वां टर्म, तो 30वां टर्म होगा a प्लस n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी a 30 क्या होगा, a प्लस 29d, नहीं समझा? अरे इक्वेशन नहीं है, बता रहा हूँ ये, यानी आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे, आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a 30 क्या होगा, a प्लस 29d, उसी तरह से a 11 क्या होगा, ए प्लस 10d, जो टर्म फाइंड करने का है d के साथ उसका 1 माइनस, जो वाला टर्म फाइंड करने का है d के साथ उसका, मैं क्या बोल रहा हूं तुम लोग जरा ध्यान दोगे तो बेटर रहेगा। अगर 12th टर्म फाइंड करना है तो इधर क्या फॉर्मूला कैसे बनेगा, ए प्लस 11d, सिर्फ 11d नहीं है, हाँ
अगर 15 टर्म है तो ए प्लस 14 डी, शाबाश। अगर 50th टर्म है तो इसका जो है, इसका जो है इस्तेमाल करने के लिए हमेशा रेडी रहना, है ना? सुन में, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमेशा रेडी रहना कि कैसे इस्तेमाल करना है, आया समझ में? हाँ, चलो नेक्स्ट टाइम से बताएंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट यूज़ करेंगे। देयर फॉर ए 30 क्या फाइन करना है, 30th टर्म ऑफ ए पी, यानी कि इसी का वैल्यू फाइन करना है। तो ए 30 विल बी इक्वल टू, ए क्या है भाई इधर, आपके पास 10 है, अरे बराबर है, प्लस 29 का 29 इनटू डी, डी क्या है, तो माइनस कर दो, 7 माइनस 10 माइनस 3, 7 माइनस 10, अरे आपका डी क्या आएगा, डी डी होगा सेकेंड टर्म, यानी ए 2 माइनस ए 1, 7 माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 3 होगा, समझ में आया? तो इस हिसाब से ये 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस 29, 3 सा 87, और ये कट हुआ तो माइनस 77, है ना? ये माइनस करो कितना है, माइनस 77, तो ये 30th टर्म आ गया। अब 11th टर्म फाइन करते हैं, सबसे पहले 11th टर्म फाइन के लिए डी फाइन करना पड़ेगा आपको, तो आपका डी क्या होगा, सेकंड टर्म, यानी माइनस हाफ माइनस फर्स्ट टर्म माइनस 3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस हाफ प्लस ये 3/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 6 अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 5/2, ये आपका डिफरेंस का वैल्यू मिल गया। अब ए 11, ए 11 क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2 बराबर है। अब ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 5 जा एंड 5 5 जा, तो ए 11 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 20, तो ए 11 इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो क्या आपके ऑप्शंस में माइनस 77 है, हाँ, तो वो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और आपके ऑप्शन में क्या 22 है, कौन सा ऑप्शन है वो, बी, तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 2।